लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर जो 2020 फरवरी में एमएस यूनिवर्सिटी में हुआ था उसके बारे में। टोटल 30 एमसीक्यू होते हैं हमारे पास उस टाइम पे जब हम इंटरनल एग्जाम देते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में। तो वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। इफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 90,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, देन द अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। परचेज की अमाउंट पूछी है, मटेरियल कंज्यूम दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी प्रोवाइड किया गया है। तो सिंपली हमारा वर्क कैसे होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक, जो भी उसमें हमने परचेज किया गया होगा वो ऐड कर देंगे, ऐड परचेज, तो कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे पास रहेगा इतना। बट इसमें से ऑलरेडी मेरे पास लेस क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं बोल दूंगा मटीरियल कंज्यूम। अब जो ये मैंने स्टेटमेंट बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 90,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 6,000। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज, परचेज की अमाउंट कितनी है। तो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर ऐसी कौन सी अमाउंट होगी जिसमें से मैं 6,000 डिडक्ट करूं तो मेरे पास 90,000 बचेगा। ऑब्वियसली 96,000। ऐसी कौन सी अमाउंट होगी जिसमें मैं अगर 5,000 प्लस करूं तो मेरे पास 96,000 आएगा, तो 91,000। तो ये हो गया अपना आंसर, परचेज की वैल्यू पूछी थी 91,000। तो देखते हैं ऑप्शन कहां पे मिलता है ऐसा। यस, ए रुपीज 91,000 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, दैट मींस टैक्स पेबल और टैक्स रिफंड इन द गिवन सिचुएशन। फर्स्ट वन, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ 2018-19 अमाउंटेड टू रुपीज 2 lakhs and no effect for the same has to far been given in the account, and second information mein bola gaya hai advance tax paid during the 17-18 for assessment year 18-19 is 1,40,000। simple sa question hai, hamare paas tax liability kitni boli hai, to ki sir total jo mere paas tax liability hai wo hai 2 lakh, बट ऑलरेडी हमने एडवांस में टैक्स पेमेंट करके रखा हुआ है तो मैं माइनस कर दूंगा, एडवांस पेमेंट किया हुआ है, कितना पेमेंट कर चुके हम लोग एडवांस में 1,40,000। तो देखने जाए तो स्टिल 60,000 अभी भी पेबल करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए 60,000। तो फर्स्ट ऑप्शन टैक्स पेबल 60,000, यस पेबल करना है 60,000 का आपको टैक्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन, एन असेट शैल बी क्लासिफाइड एज द करंट व्हेन इट्स सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कब हम करंट असेट को कैलकुलेट करते हैं, कब हम जो भी असेट हमारे पास उसको करंट असेट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन और is intended for a sale or consumption in a company's normal operating cycle। सही बात है, normal course of business में जो हमारे पास जो भी assets है उसके पैसे अगर हम realize कर पा रहे हैं normal course of business, तो हो गए हमारे पास current asset। तो current asset की definition में ही ये include है point, तो A is the correct answer। Fourth one, prepaid expense is recorded under which heading in the balance sheet as per division 1 schedule 3 companies act 2013। चलो, prepaid expense extra already payment किया गया है, prepaid है तो हमारे लिए current asset हो गई। current asset में भी बहुत सारे schedule आते हैं, तो other current asset, तो A is the correct answer, other current asset। fifth one, claim for 46,000 for a workers compensation is being disputed by the company will be disclosed in the balance sheet under which head। चलो समझो बच्चों, मेरी खुद की कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई वर्कर्स वर्क कर रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम या टेक्निकल एरर, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने कंपनी से क्लेम किया हुआ है कि 46,000 रिकवर दो मेरे को, तो कंपनी को 46,000 क्लेम पेमेंट कर रहा है।
बट कंपनी बोल रही है 46,000 नहीं हम पेमेंट करेंगे, जो प्रॉब्लम हुआ है वो तुम्हारी भी गलती थी। दैट मींस कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, फिक्स अमाउंट अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो डिस्प्यूट है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए हो जाएगी कंटीजन लायबिलिटी, फ्यूचर में मे और मे नॉट बी, शायद पेमेंट करनी भी पड़े शायद पेमेंट नहीं भी करनी पड़े। तो हमारे लिए आंसर होगा सी, कंटीजन लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 6-1, एवरी कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ ब्लैंक करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर देन बोर्ड हैज टू स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years इन अ परचेज ऑफ CSR पॉलिसी। चलो CSR पॉलिसी किसको लागू होती है, किसको अप्लाई होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। That means जब कंपनी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होती है तो उसको जो समाज है उसके लिए भी कुछ बेनिफिट देना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए अप्लाई होती है, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। अगर बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ होना चाहिए 500 करोड़ से अगर ऊपर है तो। अगर बात करें टर्नओवर की तो 1000 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है तो उनको यह अप्लाई होगी। और हां अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होगी कंडीशन। तो यहां पे इसके लिए पूछा है नेटवर्थ, तो नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़, तो ई इज द करेक्ट वन। 7th, इफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 18-19 5 lakhs, अमाउंट टू बी apportioned टू द जनरल रिजर्व 30,000, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 10%, पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय द यील्ड मेथड बेस्ड ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड। चलो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लगते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना रहेगा। यस नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे पास 10%, पेड अप वैल्यू पर शेयर भी बोला गया है 10 rupees। तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड यहां पे मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अभी डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, तो कि प्रॉफिट के ऊपर, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। चलो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल प्रॉफिट 5 lakh का बोला है बट 5 lakh में से 30,000 तो जनरल रिजर्व हम ले लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना रहेगा 4,70,000। पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है 10 lakh इनटू 100। तो फाइंड आउट करो अगर मैं 4,70,000 डिवाइडेड बाय 10 lakh करता हूं और मल्टीप्लाई बाय करता हूं 100 तो मेरे पास आ रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 47%। तो 47% तो 47% डिवाइडेड बाय 10% इनटू 10 तो 47 rupees पर शेयर हमारा हुआ फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ शेयर। तो 47 rupees ए बी सी या सी में, सी में हमको आंसर मिल रहा है 47 rupees। 8-1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर। बिल्डिंग की वैल्यू 5 lakh बोली है, मशीनरी 3,50,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 1 lakh, बिल्स पेबल 60,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 lakh एज ऑन 31st March 2019 इन द बुक वैल्यू ऑफ एबीबी लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू है 10 rupees और रुपीज बोला है वैल्यू
4 लाख रुपीस। फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अभी इंफॉर्मेशन देखिए, ये तो यहाँ पे पता चल जाता है कि जो मेथड है वो नेट असेट बैकिंग मेथड है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी फाइंड आउट क्या करना है, नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम रखते हैं नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स, बस आगे असेट भी कौन सी लिखनी है, ट्रेडिंग असेट ही हमको चाहिए। तो चलो ट्रेडिंग असेट में फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड की गई है 5 लाख। बिल्डिंग के साथ साथ तो और भी असेट्स हमारे पास, जैसे कि मशीनरी, मशीनरी हमारे पास 3,50,000। स्टॉक्स भी है हमारे पास असेट में, स्टॉक 50,000। चलो क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी होगी, बिल्स पे बल लायबिलिटी होगी, तो इतनी हमारे पास असेट अवेलेबल है। तो 350 प्लस 50 4 प्लस 5 दैट इज 9 लाख हमारे पास टोटल असेट हो गई है। लेस माइनस कर रहा हूं ट्रेडिंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में हमारे पास वैल्यू है सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1 लाख, और एक लायबिलिटी है जिसका नाम दिया गया है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है हमारे पास 60,000। तो 9 लाख माइनस करना है हमारे पास 1,60,000, तो बचता है 7,40,000। बट 7,40,000 में और भी कुछ माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास 1 लाख। तो नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रही 6,40,000। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए बात करें तो 4 लाख हमारे पास टोटल अमाउंट है, पर शेयर 10 रुपीज बोला है, तो देयर आर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 40,000। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो आंसर होगा 16 रुपीज पर शेयर। तो ऑप्शन मिल रहा है ए, 16 इज द करेक्ट वन। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट, यस ये मेथड है, सुपर प्रॉफिट भी मेथड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, डेप्रिसिएशन के मेथड है। क्वेश्चन पूछा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गुडविल की मेथड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर 10th, सेल्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अमाउंटेड 42,30,000 while the miscellaneous income is 54,600, what will be the total revenue of ABC Limited? चलो total revenue तो मतलब simple है, हमारा जब भी हम company में जो profit and loss account prepare करते हैं, तो first one हमारे पास income from operation, that means revenue from sales, और second है हमारे पास other income। तो sales में से income कितनी हो रही है, 42,30,000, और मिसेलेनियस इनकम है 54,600। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है यहां पे, 42,84,600 इज अ टोटल रेवेन्यू, तो 42,84,600। तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं पे दिख नहीं रहा, तो डी इज द करेक्ट वन। यस यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर बी में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, बट परफेक्ट आंसर हमको नहीं दिख रहा, तो मैं यहां पे आंसर टेक करूंगा डी, नन ऑफ this, so D is the correct one. 11th one, Beta Limited has the authorized share capital 5000 equity share of 100 each, while issue, subscribe and paid up share capital consist 3500 equity share of 100 each. Director proposed the following appropriation of the profit for the current year. Dividend 12% bola hai on equity capital and dividend distribution tax DDT bola hai 20.56%. What will be the proposed dividend and DDT on the same for the Beta Limited?
अभी डिविडेंड किस पे दिया जाता है, तो इश्यू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल के ऊपर। तो इश्यू सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल 3500 शेयर ऑफ 100 ईच, तो 3,40,000 इसके ऊपर कैलकुलेट होगा डिविडेंड। डिविडेंड बोला है 12%, तो 12% अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3,50,000 के 12%, तो 42,000 हमारे पास हो रहा है डिविडेंड। बट कंपनी अगर डिविडेंड पेमेंट कर रही है तो डिविडेंड पे डीडीटी भी कैलकुलेट होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी को पेमेंट करना होता है। तो कंपनी पेमेंट कर रही है 20.56% डीडीटी, अभी डीडीटी कैलकुलेट होता है ऑन डिविडेंड। तो 42,000 पे 20.56%, तो 8,635.2 रुपीस कुछ आ रहा है हमारे पास डीडीटी। तो ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं, 42,000 डिविडेंड है और 8,635, ओके, तो सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि पॉइंट टू है तो इट्स इग्नोर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर 12th वन, ब्लैंक इज प्योरली कैजुअल एंड डिफिकल्ट टू एस्टीमेट। चलो कौन सी ऐसी गुडविल है जिसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, डॉग गुडविल नहीं, ये तो इंसानों पर जाता है, कैट गुडविल प्लेस के ऊपर डिपेंड्स होता है, तो रेड गुडविल इज कंसिडर एज ए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो सी इज द करेक्ट वन। When the goodwill is attached to the person rather than the place is known as, चलो क्या बोला है, When the goodwill is attached to the person, person है तो dog goodwill is the perfect answer, तो C is the correct one, और place के हिसाब से हो तो cat goodwill, but जिसका estimate नहीं कर सकते तो rat goodwill, तो यहाँ पे person बोला है तो C is the correct answer, dog goodwill। 14th one, according to the valuation based on the price earning ratio, the market value of share is given by, चलो value of share की formula पूछिए, तो price earning ratio into earning per share, simple first one is the correct answer, तो is the right। Factory closure cost will be shown in the statement of profit and loss account division 1 schedule 3 of the companies act 2013 under the head of फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, बच्चों पता ही होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास है सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इज द करेक्ट वन। 16th, ब्लैंक इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर द प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग साइकिल का पूरी डेफिनेशन यहां पर प्रोवाइड की है, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो बी इज द करेक्ट आंसर। 17th वन, method and publishing titles are shown under which head in the financial accounts of a joint stock company, kuch hamare paas titles hai, that means one kind of aisa bhi bol sakte trademark, to obviously intangible asset, to B is the correct answer, intangible asset। 18th, match the following effect with its relevant particular given below, left side pe portion pe hai claim of 50,000 for workers compensation is being disputed by the company, आज के वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ है, disputed by company है contingent liability, देखो तो बच्चों सामने option contingent liability, yes C के साथ connect कर रहा है। market value of non-current investment, non-current investment की जो market value है वो दिखानी है, वो तो one kind of disclosure है, तो disclosure दिख रहा है D option में। Then after advertisement expense, हम कहां पे लिखते हैं तो profit and loss account में, other expense में, तो वो option दिख रहा है second में, B में, और factory closure cost पता है extraordinary items, तो claim जो है वो contingent liability C के साथ connect कर रहे हैं, non current asset जो market value show करनी है वो disclosure के साथ connect कर रहा है, तो D के साथ connect कर रहा है, advertisement expense connect कर रहा है other expense के साथ, तो B के साथ, तो हमारा आंसर होगा C is the correct answer। Then after 19th, if normal profit is 75,000, return on capital is 15%, then find out the amount of capital employed। Simple से, total 75,000 हमारे पास बोला हुआ है normal profit और capital employed बोला है 15%, तो ये जो हमारे पास 75,000 है वो 15% ही value है, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 15%, तो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी
5 लाख रुपए। तो 5 लाख तो बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नेट असेट अवेलेबल टू ऑल, ऑल दैट मीन्स इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर 20 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला है 2 लाख, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर एज पर इंट्रेंसिक वैल्यू। चलो इंट्रेंसिक वैल्यू की अभी मैंने फॉर्मूला लिखी थी, नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बट यहाँ पे जो मेरे पास असेट्स है 20 लाख वो तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों की है, तो प्रेफरेंस शेयर की असेट में माइनस कर दो 2 लाख, तो नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल गया 18 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास 5 लाख, तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 18 लाख नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 3 रुपीस पर शेयर, सॉरी 3.6 रुपीस पर शेयर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 21 मैच द फॉलोइंग, मिसलेनियस रिसिप्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सैलरी वेजेस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, राइट साइड में बोला है एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर इनकम। सिंपल है बच्चों, जो हम कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं कहां पे एंट्री होगी, मिसलेनियस रिसिप्ट, रिसिप्ट के लिए एक ही ऑप्शन है अदर इनकम, क्योंकि फर्स्ट जो होती है जहां पे हम ओनली एंड ओनली सेल्स लिखते हैं, तो अदर इनकम, तो मिसलेनियस रिसिप्ट 4 में कलेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है तो फाइनेंस कॉस्ट में कंसिडर होगा, तो वो सी के साथ कनेक्ट कर रहा है, सैलरी वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट में कनेक्ट होगा ए के साथ, और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वन कनेक्ट कर रहा है अदर इनकम के साथ और इंटरेस्ट फाइनेंस के साथ, बस तो फाइनल हो गया अपना आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 22 इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल में अराइज, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कौन से केसेस है जब आपको गुडविल की कैलकुलेट करनी होती है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखते हैं, व्हेन स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन नॉट बीइंग अवेलेबल शेयर हैव टू बी वैल्यूड फॉर द टैक्सेशन पर्पस, सही बात है, व्हेन द कंपनी इज बीइंग ओवर बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही बात है, अगर गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है तो, व्हेन वन क्लास ऑफ शेयर इज कन्वर्टेड इनटू अदर क्लास, ये भी सही है, तो हमारे पास आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। 23 अंडर द यील्ड मेथड ऑफ, यील्ड मेथड में अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, अंडर द यील्ड मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड इज मोर सुटेबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अ सिंपल स्मॉल ब्लॉक, अगर पूछा है रेट ऑफ डिविडेंड के बेस के ऊपर तो स्मॉल ब्लॉक, वेर एज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग, अर्निंग के लिए पूछा है तो लार्ज ब्लॉक, तो हमारे पास आंसर आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो बी आंसर हमारे पास हो जाएगा स्मॉल ब्लॉक एंड लार्ज ब्लॉक, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 24 एक्स वाई जेड लिमिटेड शोज अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 76,600 व्हाइल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% द एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000 द अमाउंट ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड आउट करने को बोला है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट। चलो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो हम नॉर्मल बिजनेस से जो अपने ज्यादा कमाते हैं उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, तो अपना हो गया यहां पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अभी एवरेज प्रॉफिट भी हमको प्रोवाइड किया गया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपने पास 76,600, नॉर्मल प्रॉफिट, यस यहां पे मैं डायरेक्टली कंसीडर कर रहा हूं, चलो लिख लेता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है 6,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यस 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 10%, तो एवरेज सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट होगा 65,000, तो चलो 76,600 माइनस करना है 65,000, तो बचेगा अपने पास 11,600 सुपर प्रॉफिट, तो 11,600 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 1,16,000 आंसर आएगा अपना गुडविल की वैल्यू, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है सी, यस सी इज द करेक्ट वन। देन आफ्टर 25
in the books of X Limited, equity share capital of on 1st April 2019 stood 9,60,000, that is 80,000 equity share of fully paid up and 20,000 equity share of 8 paid up hai. The director made a call of rupees 2 per share on 1st October 2019. A shareholder could not pay the call on 5,000 shares and his share were forfeit and reissue 4 per share fully paid up on 1st December 2019, the amount to be transferred to capital reserve. अभी यहाँ पे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो पूरा डिटेल में होगा, शॉर्टकट मेथड भी आपको बता दूंगा लास्ट में क्या करना है. सबसे पहले कितने शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो टोटल 5000 शेयर हमने फॉरफिट किए हुए हैं जिसकी फेस वैल्यू है 10, सॉरी कॉन्डक्ट कैपिटल हम लिखेंगे 10, तो 50,000 हमारे पास हो गए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि शेयर फॉरफिट कर रहे हैं. बट इसमें से दो पार्ट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स कितना है और शेयर फॉरफिट जो हम कितनी अमाउंट फॉरफिट कर रहे हैं. तो कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ 2 रुपए बाकी थे भरने को, तो 5000 शेयर है 2 रुपए पेमेंट नहीं किए तो कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा 10,000 क्रेडिट. तो टोटल 40,000 तो पेमेंट कर चुके हैं, तो 40,000 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट. अब यही शेयर मार्केट में री इश्यू करना है, तो री इश्यू करना है 5000 इनटू सेम अमाउंट 10 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. कितने में हम इश्यू करते हैं, जस्ट ओनली 4 रुपीज में. तो 5000 शेयर अगर मैं 4 रुपीज में इश्यू कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल पैसे आएंगे 20,000, तो ये पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट. बट 50,000 के शेयर मैंने 20,000 में सोल्ड आउट किया तो 30,000 अपना हुआ लॉस. क्यों? क्योंकि शेयर फॉरफिट किया था, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट. तो देखना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या शो कर रहा है. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट शो कर रहा है 40,000, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट शो कर रहा है 30,000. टोटल करो डिफरेंस 10,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो 10,000 हमारा फाइनल आंसर आया. बट शॉर्टकट मेथड भी है यहां पे. टोटल जो भी अलग अलग बंदे थे उसने कितना पेमेंट किया हुआ वो देख लो. सबसे पहले 8 रुपया पेमेंट किया होगा 8 रुपीज, फिर वही शेयर के हमको 4 रुपीज और भी मिले जब रीइश्यू किया तो टोटल 12 रुपीज मिले. बट 12 रुपीज की शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10, तो 2 रुपए हमको फायदा हुआ है पर शेयर. बट हमने कितना शेयर इश्यू किया हुआ था रीइश्यू में 5000, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है कितना बेनिफिट हो रहा है 10,000. तो 10,000 तो सी इज द करेक्ट आंसर. Then after 26th, from the following ascertain the amount of closing capital for the valuation of goodwill. Land ki value boliye 5 lakh, building 8,50,000, creditors 2,50,000, plant and machinery 6,25,000, furniture 1,50,000, cash 7,45,500, land was revalued 6,50,500. 40% amount invested in building is treated as a non-trading asset. अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ असेट की टोटल करना है बट वैल्यू रखते हुए ध्यान में रखना है गुडविल के लिए बोला है, तो ट्रेडिंग असेट ही कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, क्या लैंड की नई वैल्यू प्रोवाइड की गई है? यस 6,50,500. देन आफ्टर बिल्डिंग, बट बिल्डिंग की हम टोटल वैल्यू नहीं लिखेंगे. 8,50,000 में बोला है कि 40% जो है वो नॉन ट्रेडिंग है, बट अपने को तो ट्रेडिंग ही चाहिए तो 60% ही लिखना है. तो 60% हो रहा है 5,10,000. देन आफ्टर क्रेडिटर्स लायबिलिटी माइनस कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी. चलो प्लांट एंड मशीनरी बोला है 6,25,000. फर्नीचर भी हमारे पास असेट्स है, फर्नीचर 1,50,000. कैश ऑन हैंड है 7,45,500. व्हाटएवर जो भी टोटल असेट हो रही है उसमें से लायबिलिटी डिडक्ट करना है, सिर्फ एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 2,50,000. तो जो बचा वो अपने लिए आंसर होगा. कैलकुलेट करते हैं, जस्ट वेट. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 6,50,500 प्लस 5,10,000, 6,25,000, 1,50,000, 7,45,000, 500 और माइनस करना है 2,50,000. तो सॉरी
जीरो प्रेस कर दिया गलत से, 6,50,500 प्लस 5,10,000 प्लस 6,25,000 प्लस 1,50,000 7,45,500 माइनस करना है 2,50,000, तो आंसर रहेगा 24,31,000 24,31,000, तो इतनी अपनी नेट असेट होगी, तो ए इज द करेक्ट आंसर 27. इन अ पर्टिकुलर बिजनेस द रेट ऑफ रिटर्न 13.5 एंड रेट ऑफ रिस्क इज 2.5, देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दोनों का टोटल कर लो 13.5 एंड 2.5 इज 16%, तो बी इज द करेक्ट आंसर 28. वैल्यू पर शेयर ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो 32 इफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 40,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, फाइंड आउट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. चलो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ शेयर दिया गया है, वैल्यू ऑफ शेयर अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो. चलो वैल्यू ऑफ शेयर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास 32, अर्निंग पर शेयर नहीं बोला है बट सॉरी अर्निंग पर शेयर आराम से मिल जाएगा. चलो अर्निंग पर शेयर मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है 40,000. यहां पे डायरेक्टली शॉर्ट में फाइंड आउट कर ले लो, ईपीएस 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ईपीएस मिल रहा है 4, तो 4 ईपीएस. प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं बताया, तो चलो प्राइस अर्निंग रेशियो 32 डिवाइडेड बाय 4, तो प्राइस अर्निंग रेशियो मिल रहा है 8, बट क्वेश्चन प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला हुआ है. ओके, तो प्राइस अर्निंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. प्राइस अर्निंग रेशियो 8 है, 100 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चला जाएगा ऊपर 8 चला जाएगा डिवाइड में, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12.5%, तो सी इज द करेक्ट आंसर 29. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 6,96,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13%, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,65,000. गुडविल पूछा है, कौन सी मेथड बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी बोला गया है 6,96,000, अभी चाहिए हमको वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,65,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 13%. तो चलो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 13%, तो मिल रहा है 12,69,231. तो 12,69,231 में से माइनस करना है बस 6,96,000, तो आंसर मिलेगा 5,73,231. तो ये हुआ हमारे पास गुडविल का आंसर, तो 573,231 यस इज द करेक्ट आंसर 30. From the below information, find out the fair value of equity share. Fair value that means intrinsic value or yield method जो आया है उसका average निकालना है. तो 30,000 equity share of 10 each fully paid up. तो first उसके लिए 17.83 plus 28.50 divided by 2. तो first की find out कर दें. 17.83 plus 28.50 divided by 2. तो 23.165. चलो पहला ऑप्शन देख लो 23. चलो ए में ही है, अदर कोई ऑप्शन हमारे पास वैलिड नहीं होगा, तो ए इज द करेक्ट वन. तो यहां पे खत्म होता है हमारा 2020 का पेपर जो कॉर्पोरेट अकाउंट का था.
सारा एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, ऑब्वियसली शेयर करना, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी प्रेस कर लेना, चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।